प्रदेशच्या लखनऊ शहरामध्ये सध्या तरुणीच्या हत्येमुळे हे शहर संपूर्णपणे हादरून गेलेलं आहे आणि धर्मांतर करायला नकार देणाऱ्या तरुणीची हत्या करण्यात आली आणि त्यामुळे हे शहर आता तिथे खळबळ उडालेली दिसतीये. सुफियान या आरोपीनं तरुणीला इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून फेकून दिलंय. तरुणीला तातडीनं ट्रामा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं. आरोपी सुफियान या तरुणाविरोधात पोलिसांनी खुनाचा आणि धर्मांतराचा गुन्हा आता दाखल केलेला आहे. धर्मांतर करायला नकार दिला म्हणून तरुणीची हत्या करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशमधली ही घटना आहे. लड़का कई दिन से मेरी बहन को परेशान कर रहा था. हर वो लड़की जहाँ जाती उसे पीछे पीछे उसको शादी के लिए फोर्स करता, कहता था हमसे शादी नहीं करोगे तुमको मार डालेगा, अपना मजा बदलो. सर जी बहुत उसने उसको परेशान कर दिया था. सर जी हाथा लड़के ने धमकी दिया मेरे मामा को कि तुम्हारे मामा को मार डालेंगे, उनकी गाड़ी जला डालेंगे. यही सब शिकायत लेके हम लोग सर जी घर गए. उनके लड़का मेरे मामा को मारने के लिए डंडा लाया छत पे, जबरदस्ती मेरी बहन को लेके छत पे लड़का भागा डंडा लेके, उसी के पीछे मेरी बहन गई. उसी हाथों पाए में उसने मेरी बहन को ढकेल दिया. सर जी मौका पड़ने पर लड़का फरार हो गया. आज कम से कम एक हफ्ते से 15 दिन से टॉर्चर कर रहा था. हाँ, वो आज मैं उसके घर कंप्लेन लेके गई. हाँ, तो उनके घर वाले सब कह रहे हैं कि शादी कर दो. हाँ, वो वीडियो बनाता है, कह रहा था वीडियो है मेरे पास, ये है वो है, दुनिया चीजें बता. कौन कह रहा था शादी कर दो? वही लड़कों, वही उसके घर वाले. इस संबंध में समुचित धाराओं में संगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है. अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास किए जा रहे हैं और इनके साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे